लेकिन ये लाल डायरी इस चुनाव में पूरी कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है। तो क्या हुआ कि देश का एक हिस्सा जल रहा है, संसद से लेकर चुनावी रैलियों तक गजब रंगमंच चल रहा है, देश के एक हिस्से में मातम पसरा है और देश की राजधानी में आतिशबाजी के नजारे हो रहे हैं। विश्व गुरु क्रोध और पीड़ा में हैं, लेकिन फिर भी रैलियों में ऐसे इशारे हो रहे हैं। आज राजस्थान की रैली में पीएम मोदी ने किस तरह की भाव भंगिमा दिखाई, किस तरह के इशारे किए और लाल डायरी को लेकर क्या बोला, पूरा विश्लेषण करेंगे। पीएम मोदी का ये बयान सुनिए जिसमें लाल डायरी का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कैसे इशारे किए और क्या ये पीएम पद को शोभा देता है। आपने लाल डायरी के बारे में सुना है ना, सुना है ना? लोग कह रहे हैं कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं की इस लाल डायरी का नाम सुनते ही बोलती बंद हो रही है। ये लाल डायरी इस चुनाव में पूरी कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है। तो राजस्थान में कांग्रेस का डिब्बा बंद करने का दावा करते हुए पीएम मोदी ने हाथों से जैसे इशारे किए, क्या प्रधानमंत्री की ऐसी भाव भंगिमाएं होनी चाहिए। मणिपुर में मातम का माहौल है, संसद में काले कपड़े पहनकर विपक्ष पीएम मोदी से जवाब मांग रहा है और पीएम मोदी चुनावी राजनीति में उतर गए हैं, जो दिखाता है कि पीएम मोदी भले 18-20 घंटे काम करते हैं लेकिन सवाल ये उठता है कि देश के लिए कितना काम करते हैं और चुनाव प्रचार में कितना वक्त बिताते हैं। आज मणिपुर पर जवाब देने की बजाय पीएम मोदी राजस्थान की लाल डायरी का जिक्र कर रहे हैं, उस लाल डायरी की हकीकत भी आपको दिखाते हैं। लाल डायरी का जिक्र किया राजस्थान के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने। राजेंद्र गुढ़ा ने दावा किया कि इस लाल डायरी में राजस्थान के भ्रष्टाचार का पूरा कच्चा चिट्ठा है। लेकिन राजेंद्र गुढ़ा के कुछ पुराने बयान भी हम आपको दिखाते हैं। राजेंद्र गुढ़ा ने दावा किया था कि अमित शाह राजस्थान के मंत्रियों को बड़ा बड़ा ऑफर दे रहे हैं, विधायकों को करोड़ों रुपए ऑफर कर रहे हैं और ये भी दावा किया था कि मुझे भी करोड़ों रुपए ऑफर किए। जरा राजेंद्र गुढ़ा का ये बयान सुनिए। पैसे का लेन देन तो अमित शाह ही करा रहा है, सीधे ऑफर दे रहा है, पैसे लेके घूम रहे हैं, सबके पास आ रहे हैं और सबसे कॉन्टेक्ट किया, मेरे से भी किया, आपसे भी किया। कितना पैसा दे रहा था वो? बड़ा पैसा था। राजेंद्र गुढ़ा का ये बयान दिखाता है कि वो किस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। हाँ, कांग्रेस सरकार पर सवाल खड़े होने चाहिए कि आखिरकार ऐसे व्यक्ति को मंत्री क्यों बनाया, जो अपनी विचारधारा पहले ही बता चुका है, जो जाहिल टाइप का मंत्री है, पहले खुलेआम जनता के बीच बोल चुका है कि वो दल बदलने में कितना बड़ा खिलाड़ी है। एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें राजेंद्र गुढ़ा ने कहा था कि जब कांग्रेस में दरी बिछाने का वक्त आएगा तो मैं वहां से खिसक लूंगा। तो मैं एक बार चुनाव जीतू बस पासू बढ़ू, कांग्रेस में मंत्री बढ़ू, बस अभी कांग्रेस के मैं दरी उठावा पर टेम आवे जनाब, मुझे फिर से बढ़ो है कांग्रेस खेल में कोई कमी है। राजेंद्र गुढ़ा के ये तमाम बयान दिखाते हैं कि वो कितने हल्के नेता है, फिर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री उन्हें कितनी गंभीरता से लेते हैं। और गंभीरता से लेते हैं तो फिर अमित शाह पर जो आरोप लगाया था उस पर भी जवाब देना चाहिए, उस पर भी बात होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये पूरा मामला दिखाता है कि देश के प्रधानमंत्री मणिपुर पर जवाब देने की बजाय चुनावी राजनीति में उतर गए हैं। देश में जब इस तरह के हालात हैं, संसद सर्वोपरि होनी चाहिए। संसद में जब सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है विपक्ष ने, मणिपुर के हालात पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रही है और हमारे देश के प्रधानमंत्री एक हल्के नेता के बयानों के आधार पर चुनावी राजनीति में लग गए हैं।